हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट एडवाइस सुजाता। तो गाइज, ये है मिकी माउस के सेकेंड पार्ट। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे, जाकर जल्दी से जल्दी चेक कर लीजिए, वीडियो पड़े हैं चैनल पे। और गाइज, ये है सेकेंड पार्ट, जो मैं मेटालिक बोल सकते या फिर सिल्वर या फिर स्टील के जो भी रियलिस्टिक टाइप। यहाँ पर मुझे एक गूगल से ये मिकी माउस मुझे मिला था, बहुत पसंद आए थे, तो मैंने सोचा कि इसको ड्रॉ करते। तो ये उसी का ही सेकेंड पार्ट है। तो गाइज, सेम प्रोसेस, यहाँ पे मैं जो भी डार्क एरियाज है उसके लिए चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। जिनको पता नहीं, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ। और यहाँ पर जो ग्राफाइट पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ब्रूस्टो के। सिर्फ मैं यहाँ पर 2H H एंड H बी पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और सकुरा का 4B पेंसिल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। जस्ट थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड क्या बताओ, आउटलाइन जहाँ पर थोड़ा सा डार्कनेस है उसके लिए। एंड गाइज, मैं यहाँ पर चारकोल को ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेकअप ब्रश सॉफ्ट वाला। एंड ग्राफाइट को ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ईयरबड का। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में बताना कि ये कितने हद तक रियलिस्टिक या फिर हाइपर रियलिस्टिक आप लोगों को लग रहे हैं, या फिर कोई गलती हो रही है तो भी आप लोग कमेंट में बता सकती हो। एंड चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये पर गाइस देख सकते हो जो भी चारकोल के पोर्शन है। एंड वहाँ पर अगर मुझे हाईलाइट दिखाना है तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इरेजर का यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ चारकोल के एरिया में चारकोल अगर हाईलाइट दिखाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा नॉर्मल इरेजर या फिर नेडेबल इरेजर से उतना अच्छे तरह से हाईलाइट नहीं दिखा सकता हूँ मैं, क्योंकि बहुत डार्क होता है चारकोल। तो इसलिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इरेजर का यूज़ कर रही हूँ। एंड अदरवाइज ग्राफाइट जगह पे अगर मुझे कुछ हाईलाइट दिखाना है तो यहाँ पर मैं मैकेनिकल इरेजर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई इरेजर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो इरेजर है आप उससे काम कर सकते हो, या फिर आपके पास नीडेबल इरेजर हो तो भी आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई रियलिस्टिक या फिर हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको चारकोल पाउडर या फिर ग्राफाइट पाउडर या फिर बहुत एक्सपेंसिव कुछ चीज़ का ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। आपका स्किल अच्छे है तो आप कुछ भी टूल से कोई भी ड्राइंग कर सकते हो। Living life every day, late at night, not okay, all I want and I pray। और अगर ये वीडियो कोई बिगिनर्स देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले अगर आप लोग को इस टाइप के कुछ करना है देख कर ही आपको करना है, ऐसा नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। पहले ही आप कुछ भी रियलिस्टिक या फिर हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कीजिए, स्टिल लाइफ कर सकते हैं, देन छोटे छोटे थिंग्स को लेकर उसमें शेडिंग कैसे करते हैं, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। Here I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young one, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. ये पे गाइज मेरा ड्राइंग हो गया कंप्लीट। मैं जस्ट जो बैकग्राउंड में जो भी चारकोल के पाउडर थोड़ा बहुत लग चुका है, फिर हाथ के जो ड्रॉ करते वक्त कुछ काली वगैरह लग गई, इसके लिए मैं यहाँ पर इरेज कर रही हूँ, पूरा बिल्कुल साफ कर रही हूँ बैकग्राउंड को। एंड आप लोग देख सकते हो कैसा हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ 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 कमेंट पर जरूर लिख देना कि कैसा लगा है।